हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा एक की रिमझिम हिंदी वाली बुक, जिसका चैप्टर है 13वां और हमारे चैप्टर का नाम है बंदर गया खेत में भाग। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। और अगर आपने पिछले चैप्टर जो 12 चैप्टर हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपना लेसन जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर बंदर गया खेत में भाग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदर है, कुछ खा रहा है बैठा, ऊपर चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ क्या स्टोरी है देखते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, आग जलाकर चिट्टर पट्टर, साग पकाया खटर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर धूप। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चट्टर मटर तोड़ा साग, आग जला कर चट्टर मटर, साग पकाया खटर बटर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, मुंह पोछा पोछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। ठीक है, तो ये हमारी एक कविता टाइप में है, ठीक है, एक स्टोरी है बंदर की। तो बंदर जो था वो खेत में भाग गया, कहाँ, साग के खेत में भाग गया, मटर के खेत में वो भाग गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, खेत में भागने के बाद उसने चटर पटर मटर मतलब साग की पत्तियाँ और मटर उसने खूब सारी तोड़ी, ठीक है, खूब सारी तोड़ी। फिर आग जलाई उसने, ठीक है, चटर मटर करके आग जलाई। फिर क्या किया उसने, साग पकाया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, साग जो था उसने जो तोड़ा था वो पकाया, फिर सूप बना कर उसका जो साग था उसका सूप बना के खूब पिया, खूब पिया, खूब खाया। फिर क्या हुआ, फिर मुंह पोछा मुंह उखाड़ कर धूप। फिर अपना मुंह कैसे पोछा, घास जो जमी हुई थी ना घास उखाड़ के उसने अपना मुंह पोछा। फिर चलनी बिछा ओढ़ कर धूप, ठीक है, फिर चलनी बिछा के वो ओढ़ कर सूप जो था उसको मतलब कि उसको धूप लग रही थी ना, तो फिर वो लेट गया, ठीक है, और खूब सोया, डटकर खूब सोया। क्यों सोया, क्योंकि उसका पेट जो था वो बहुत ज़्यादा भर गया था, क्या खा के, साग खा के। तो यही स्टोरी है, ठीक है, कोई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर ने चलनी बिछा कर सूप ओढ़ कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे, क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। तो हाथी जो है वो चटाई बिछा के सो सकता है, चींटी जो है ज़मीन पे ही सो सकती है, गिलहरी है पत्तों पे सोएगी, शेर जो है वो ज़मीन पे सोएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे लिए तो कुछ भी सोचो, मैं क्या ओढ़ूँ क्या बिछाऊँ, झटपट झटपट खटपट खटपट, जैसे साग पकाया खतर बतर, सब ने खाया चटर पटर, पानी पिया पटर पटर, और मारे खराटे खर 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 खर, और गिरे पलंग से पट 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 पट। इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, भागो 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 में क्या है, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है ये बताना है। जैसे कि एक पतंग की स्टोरी थी आपके में याद होगी, अगर मैंने आपको पढ़ाई थी, पतंग जब लूटते हैं ना बच्चे तो सबसे पहले भागते हैं, अगर भागेंगे नहीं तो वो पतंग वहीं पे फट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब मम्मी मारती है या पापा डांटते हैं तो हम भागते हैं अक्सर, ठीक है, उनकी मार से बचने के लिए। आप कुछ भी लिख सकते हो और आपको कमेंट करके बताना है कि आप कब भागते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ, जैसे कि ये पगड़ी किसकी है, चौधरी जी की, ये पगड़ी पुलिस की है, ये गुजराती लोगों की है, ये सिख की है, ये भी पगड़ी जो है वो किसकी है, गाँव साइड में, ठीक है, ये पगड़ी जो खान टाइप की है, ये पहाड़ी इलाकों की पगड़ी है, ये भी राजस्थानी टाइप की पगड़ी है, ठीक है, ये राजा महाराजा टाइप के जो खानदानी शाही लोग होते हैं उनकी पगड़ी होती है,
ये क्या बोलते दर्जी टाइप लोगों की पगड़ी है, ये भी राजस्थानी लोगों की पगड़ी है, ये अलग तरीके की पगड़ी है, ठीक है। इस तरीके की पगड़ी जो है वो आपको पहचान के लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपका चैप्टर बहुत छोटा था, कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, बस आपसे कह रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसको थैंक यू वेरी वेरी मच, जिसने नहीं किया है तो झट से कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके लिए यही हमारी गुरु दक्षिणा है। आपको शेयर कहाँ करना है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड को, अपने क्लासमेट को, अपने टीचर को, अपने फैमिली वाले को, किसी को भी शेयर कर सकते हो। डेली के डेली शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।